भोपाल में 3 दिवसीय मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह में शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री टैंक पर नजर आए और हाथ में बंदूक लिए दिखे। कार्यक्रम में मलखम के करतब भी दिखाए जा रहे हैं, ये देखिए तस्वीर। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। कार्यक्रम में सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। 1 नवम्बर को मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। समारोह की शुरुआत आज से ही कर दी गई है और ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। ये 4 तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश के नाम, ये 4 तस्वीरें जहां पर मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश के पहचान, मध्य प्रदेश का जो सबसे ज्यादा पसंद करने वाला कर्तव्य है उसको भी दिखाया गया और संस्कृति के रंग में यहाँ लोग रंगे नजर आए। और ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में ये राइफल, बात करें इस समय इक्विपमेंट्स। भोपाल में मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर शौर्य की झलक भी देखने को मिली है। भारतीय युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों, टैंक, तोप, रॉकेट लॉन्चर और विभिन्न अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ ही सेना में उपयोग होने वाली रोबोटिक पद्धति को समझने के लिए भी मॉडल रखे गए हैं। बता दें कि 1 नवम्बर को MP का स्थापना दिवस है और 3 दिन तक स्थापना दिवस कार्यक्रम चलेगा। आज से ही इसकी शुरुआत हो गई है, 1 दिन पहले से लेकर 1 दिन बाद तक MP के स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत, आयोजन इसका किया जा रहा है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस और इस बार स्थापना दिवस का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है और आज पहला दिन है। आप देख सकते हैं कि लाल परेड ग्राउंड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और इस पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम में न केवल मध्य प्रदेश की संस्कृति और लोक कलाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है बल्कि जो सेना के शौर्य पराक्रम की चीजें हैं वो भी यहां पर रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं, ये जो टैंक हैं या जो बड़ी मशीनें हैं उनको यहां पर रखा गया है ताकि राजधानी भोपाल के जो लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं वो ये समझ सकें कि मध्य प्रदेश में न केवल लोक कला है, संस्कृति है, यहाँ का खान पान है बल्कि जो सेना का पराक्रम है वो भी अद्भुत है और यही कारण है कि इन सारे उपकरणों को जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं चाहे वो रॉकेट लॉन्चर हो या फिर दूसरे जो एयर मशीनर से अगर बात करें तो जो देखा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गन्स हैं उनको यहाँ पर रखा गया है अलग अलग तरह की और सबके सामने एक डेमो भी लगाया गया है ताकि वो पता कर सके कि आखिर इस गन की क्या खासियत है, कब ये बनी थी और कौन कौन से युद्धों में इसका इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए सेना की वो चीजें जो आपको अमूमन देखने को नहीं मिलती हैं वो यहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर रखी गई हैं ताकि जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो इसके बारे में अवगत हो सके। और जिस तरीके से बहुत बारीक चीजों की बात भी अगर करूँ कि बम डिस्पोज करने के तरीके हों, मध्य प्रदेश का दिवस का हम बच्चों को हमारे जो टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर में हम बच्चों को बचपन से हम लोगों ने जो रोबोटिक्स बारे में सिखाया जाता है, जैसे बच्चा हम 5 साल से लेके जब प्री नर्सरी है, LKG UKG हम जैसे बच्चों को खिलौने तौर पर हम ब्लॉक्स देते हैं उनको मतलब खेलने के लिए, उस हिसाब से हम लोगों ने जो रोबोटिक्स के जो हम लोग खिलौने हैं उनको देते हैं। क्योंकि क्या हम लोग प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं, जैसे ब्लॉक्स में प्रोग्रामिंग रहते हैं उनको जैसे हम खिलौने जैसे ब्लॉक के अंदर ब्लॉक हम अटैच करने से इनको ब्लॉक लोडिंग आ जाते हैं। उसके थ्रू हम लोगों ने एक ब्लूटूथ कार बनवाया है, ये हमारा बच्चों को जो आर्मी का बच्चे है हमारे जो 21 कोर के अंदर है जो बच्चों मतलब जो APS स्कूल में पढ़ाई करते हैं उस लोकेलिटी में पढ़ाई करते हैं उस बच्चों को हम लोगों ने ये सिखा दिया ताकि उनका जो टेक्नोलॉजी लेवल्स है, उनका जो जो माइंड मेच्योरिटी है, उसका जो मतलब जो आगे आगे जिंदगी में उनका मतलब जो लाइफ एनहेंसमेंट के लिए ये सारे इस्तेमाल हो जाएंगे। फिर आगे जाएंगे सर आगे फिर वहाँ पे ये है रोबोटिक्स। दिवाली पर रसगुल्ले में मिलावट का बड़ा पर्दाफाश न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ। गाजियाबाद में नकली रसगुल्ले बनाने वाली एक ऐसी ही फैक्ट्री से हैरान करने वाली तस्वीर खुफिया कैमरे में कैद हुई जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जिस रसगुल्ले से हम और आप अपनों का मुंह मीठा करवाते हैं वो कितनी मिलावट और कितने गंदे तरीके से तैयार होता है। आपकी जान के दुश्मन और आपकी थाली में जहर परोस रहे मिलावट खोरों का चेहरा बेनकाब करने के लिए देखिए न्यूज 18 इंडिया का स्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन मिलावट।
मिठाई में मिलावट की शिकायतों की पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में मिलावटी रसगुल्ले बनाने वाली फैक्ट्री के भीतर पहुंचे और फिर न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो देखकर आप लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हाँ, दिवाली के मौके पर बाजार में सुंदर सी पैकिंग में बिकने वाले रसगुल्ले की फैक्ट्री की हकीकत तो काली स्याही से भी ज्यादा स्याह थी। न्यूज 18 इंडिया की टीम एक फैक्ट्री के अंदर पहुंची जहां चारों तरफ फैली गंदगी मिलावट की कहानी खुद बयां कर रही थी। कई कनस्तरों और ड्रम में हमें रसगुल्ले भरे दिखाई दिए तो उसके साथ ही मक्खियां भी तैरती हुई दिखाई दी। और कहते भी है ना, बीमारी की सबसे बड़ी जड़ मक्खियां होती है और यहां पर हमें मक्खियों की तादाद सबसे ज्यादा मिली। ये सिर्फ एक ही फैक्ट्री का हाल नहीं था बल्कि कई और दूसरी फैक्ट्रियों का भी हाल कुछ ऐसा ही था। ये क्या है भाई? चाशनी है सर। ये भी चाशनी है? हाँ। रसगुल्ले की? हाँ। और ये क्या है? ये भी चाशनी है। क्या क्या बनाते हो? रसगुल्ले। त्योहार के समय बाजार में आने वाला मिलावटी रसगुल्ला आखिर तैयार कैसे होता है, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम एक फैक्ट्री में पहुंची और एक कारीगर से सच्चाई जानने की कोशिश की। कारीगर ने बताया कि रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले दूध को फाड़ा जाता है। कई लोग दूध में पाउडर मिलाकर भी उसे गाढ़ा करते हैं तो किसी के पनीर बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कारीगर ने अपने हाथों से बनाकर हमें दिखाया कि कैसे कम लागत में कुछ लोग स्वादिष्ट मिठाइयां तैयार करने का दावा करते हैं। इस दौरान कारीगर ने हमें अरारोट मिलाकर उसे शेप देकर भी दिखाया और हमारी टीम ने खुद भी अरारोट मिलाकर एक रसगुल्ला बनाकर देखा। पनीर है और ये पनीर ये फटा और उसके बाद जब पनीर फट जाता है तो इसमें ये पनीर में अरारोट मिलाया जाता है क्योंकि ये अरारोट का ताकत है। इसमें अरारोट, इस तरह से अरारोट मिलाया जाता है। अरारोट की मात्रा होती है, हालांकि एक फूड जो FSSAI का नियम है कि उसमें एक लेवल तक उसको आप मिला सकते हैं, लेकिन जब ये सेट नहीं होगा तो इसमें फिर अरारोट को मिलाते रहना पड़ता है, इसी वजह से ये बनता है। जब ये पूरा अरारोट करके सेट हो जाता है तो इसमें मिलावट हो जाती है। तो देखा आपने किस तरह से अरारोट की तय मात्रा से ज्यादा मिलाकर रसगुल्ले को शेप दी गई और इस तरह से ये मिलावटी रसगुल्ला खाने के लिए तैयार हो गया। कारीगर से हमने रसगुल्ला बनाने की विधि भी पूछी तो उसने बताया कि 1 किलो रसगुल्ला बनाने में कम से कम 5 किलो दूध की जरूरत होती है क्योंकि 1 किलो दूध में 200 ग्राम ही छेना निकल पाता है और 5 किलो दूध में 1000 ग्राम छेना निकल पाता है यानी 1 किलो। लेकिन इसकी बिक्री 101 से 130 रुपए में होती है जिसे डिब्बों में पैक करके मिठाई की दुकानों पर भेज दिया जाता है जिसके बाद ये 300 रुपए से ऊपर के दामों में बिक जाता है। इससे पहले बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।